हेलो बच्चों, लॉकडाउन की पाठशाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग देखेंगे क्या कि पिछले वीडियोस में मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि एल्जेब्रिक और ग्राफिकली के माध्यम से किसी का जो पॉलीनोमियल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग एक लीनियर इक्वेशन लेके भी हम लोग देखा था कि x plus 2 is equal to 0 and x is equal to minus 2, that is the zeros of Px. Now, बच्चा देखेंगे क्या, तो हम लोग क्लास 8 में एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के बुक्स में देखेंगे कि वन मार्क्सिंग क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में श्योर पूछे जाते हैं यहाँ से। तो बच्चे इसका एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सुनाएंगे, वो सब पता क्या, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स, यानी शून्यांकों का जब पी एक्स की संख्या क्या होगी कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट बीच ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी कहने का सेंस क्या है, जितने बार एक्स एक्सिस में जितना पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वही कहलाएगा नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। ओके बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब पहला देखेंगे एक एग्जांपल क्या दिया हुआ था, आप देख रहे हो ना x x dash y of x, इस इक्वेशन को बच्चे दिमाग में रखोगे कभी भी नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स फाइंड करने में प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। सो बच्चे आप यहां देखिए, मेरे पी एक्स एक्सिस है, यहां पर क्या कर रही है x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब पता क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट व्हिच ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कितने बार ये इंटरसेक्ट किया हुआ, बच्चे आप देखिए कोई भी पॉइंट यहां इंटरसेक्ट किया हुआ नहीं, यानी इसका क्या हुआ, कोई भी जीरो ऑफ पॉलीनोमियल्स नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक भी बार ये इंटरसेक्ट नहीं किया है। हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल इसका जीरो, यानी नंबर ऑफ जीरोस पॉलीनोमियल इसका क्या लिखेंगे, जीरो। बच्चा इस सेकंड एग्जांपल में देखोगे, अब यहां पर देखो ये ग्राफ है, x एक्सिस y एक्सिस दिया हुआ है। बच्चे आप देखेंगे क्या, जैसा कि मैंने बताया यहां पर कि नंबर ऑफ पॉइंट एट बीच ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट x एक्सिस, यानी x एक्सिस में जितने बार ये इंटरसेक्ट करेगा वही कहलाएगा नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। x एक्सिस बच्चे क्लियर होना चाहिए 1, यानी दैट इज जीरो ऑफ पॉलीनोमियल्स मेरे को क्या होगा 1। अब ये नहीं देखना बच्चे, बिकॉज़ ये y एक्सिस है, y एक्सिस हमको देखना ही नहीं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ देखना है कि x एक्सिस में कितने बार ये इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट्स कहलाएगा नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। नाउ बच्चे थर्ड एग्जांपल, अब थर्ड एग्जांपल देखेंगे x x डैश y y डैश, अब कितने बार यहां पर इंटरसेक्ट किया हुआ है 1 2 3 4। बच्चे कंफ्यूज ना करेंगे, एक दिस पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट, मैंने ग्राफ के माध्यम से भी आपको बताया था ग्राफ में क्या बोला था, मान लीजिए कि यहां पर पॉइंट्स लगेगा, दिस इज काउंटेड 1 पॉइंट्स। तो बच्चे एक पॉइंट्स, दो पॉइंट्स, 3 और n 4, तो बच्चे यहां पर नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स क्या होगा 4। वेरी सिंपल बच्चे, सिर्फ एक्स एक्सिस में आप देखिए कि जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करता है वो कितने बार कर रहा है, एग्जांपल नंबर 4। बच्चे यहां पर देखेंगे x x dash y y dash कितने बार x एक्सिस, बच्चे मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं दिस इज x एक्सिस, मिस्टेक नहीं करने को, नहीं तो फिर यहां काउंट करोगे गलत होगा। तो कितने बार इंटरसेक्ट किया हुआ है 1 2 3, यानी शून्यांकों की संख्या कितना होगा 3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर शून्यांकों की संख्या 3 क्यों, तो आप इसको कैसे जवाब दोगे, सिंपल होगी बच्चे जवाब देने ही क्या कि सर यश एक्स एक्सिस में आपने बताया कि जितने पॉइंट में जितने बार इंटरसेक्ट करेगा वही कहलाएगा नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स 1 2 3 3। तो अगर मैं पूछ सकता हूं 1 2 नहीं पूछ सकता यहां पर, नो सर दिस इज वाई एक्स, वेरी गुड। एंड नाउ 5 एग्जांपल देखेंगे बच्चे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, अब देखो कितने बार कर रहा है 1। यहां बच्चे देखेंगे फिगर को बारीकी से ग्रुप में भी देख लोगे 1 टाइम्स है 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस को में क्या होगा 3। तो बच्चे आज के वीडियोस में
इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ हमको फाइंड करना था कि शून्यांकों की संख्या क्या होगी। ओके बच्चे, आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।